बीते दिनों संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने सदन में महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस की है। इसको लेकर जानेंगे कि इस पर अमेठी के आम लोगों का क्या कहना है, साथ ही जानेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार अमेठी की जनता क्या सोच रही है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख और हॉट सीट में शुमार वीवीआईपी लोकसभा सीट अमेठी में इस बार क्या सियासी माहौल रहने वाला है, आइए जानते हैं। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत अपने नए नए रुख को अख्तियार कर रही है। कभी संसद में हंगामा हो रहा है तो कभी सड़क पर हंगामा हो रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी हमेशा से सियासत का गढ़ रही है। अमेठी की जो जनता है, वह जिसके ऊपर अमेठी की जनता का दिल आ गया, उसको सराखों पर बैठा कर कहीं ना कहीं संसद पर पहुंचाया, प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन जिससे विमुख हुई उसको जो है पटकनी दे डाली। या वही अमेठी की जनता है जिसने कभी अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन ये वही अमेठी की जनता है जिसने राहुल गांधी को इसी अमेठी से पटकनी दे डाली और यहां से स्मृति ईरानी को सांसद बनाया। अब 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासत अपने रुख को बदल रही है। ऐसे में ये हम अमेठी के बस स्टॉप पर मौजूद हैं और यहाँ इनकी जो अमेठी की जो जनता है उसके मन में क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, क्या कहेंगे, अभी संसद में हंगामा हुआ, स्मृति ईरानी जी यहां से सांसद हैं और वो कह रही हैं जो है फ्लाइंग किस की बात चल रही है, उसके बारे में आपका क्या? ये सब ऊट पटांगा हरकत है इनकी। स्मृति जी को सिर्फ आरोप लगाना है कांग्रेस पे और राहुल गांधी पे। इस बार राहुल गांधी यहां जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीतेंगे। स्मृति ईरानी को अमेठी छोड़ना होगा, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी अमेठी से सांसद चुने जाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या कारण रहा कि पिछली बार आप लोगों ने जो है राहुल गांधी को चुनाव यहां से हरा दिया? दरअसल अमेठी की जनता तब भी राहुल को चाहती थी, आज भी चाहती है। लोगों के मन में ख्वाब, झूठे झूठे ख्वाब इघा करके बरगलाया गया, इसी कारण राहुल जी हार गए। बाकी चुनाव राहुल जी इस बार यहां से जीत रहे हैं और काफी अंतर से जीतेंगे। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? भैया रवि मौर्या। रवि जी, ये बताइए कि जो संसद में एक फ्लाइंग किस की बात चल रही है, पूरे देश में उसकी चर्चा है, आप कैसे देखते हैं? सब झूठ बोलने की आदत है भैया उनको। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ से पूरा क्लियर है राहुल गांधी का। राहुल गांधी जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, सूद ब्याज के साथ वापस किया जाएगा उनको। क्या लगता है, राहुल गांधी अगर बात की जाए तो देश के विपक्ष के नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े विपक्ष के नेता हैं। और भी लोग हैं, ये देखिए युवा हैं ये भी। क्या नाम है भैया आपका? अरे जाने थे हमको ही मना पड़ा हुआ यार। अरे क्या, ये बताइए वोट देते हैं आप? हम वोट देते मगर हमको ना पड़ा। राहुल या स्मृति ईरानी? दुकान नाम राहुल या स्मृति ईरानी? क्या देता है यार हमका? क्या हुआ, डर रहे हैं क्या? राहुल देखिए कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो डर रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश विश्वकर्मा सर। 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है जी, कैसे देखते हैं आप? बस राहुल गांधी को देख रहे हैं हम लोग। राहुल गांधी? हाँ राहुल गांधी। स्मृति ईरानी क्यों नहीं? ये स्मृति ईरानी का आप देख ही रहे हैं, सिलेंडर था 400 रुपये में हो गया 1200 रुपये में है, इसलिए वो पसंद नहीं करती यहाँ की जनता। राहुल गांधी का गढ़ है, राहुल गांधी ही रहेंगे। वो तो आ गए बीच में, थोड़ा बीजेपी की लहर थी उसकी वजह से आ गए। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ही नहीं पता है, क्या बताएं? आप उधर मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ जी, ये बताइए 2024 का चुनाव आ रहा है, स्मृति ईरानी और राहुल गांधी अमेठी से किसको? राहुल गांधी। क्यों? राहुल गांधी अमेठी से चुनेंगे। क्यों? क्यों? ने क्या किया किसी युवा को? सांसद 4 साल से सांसद हैं। क्या किया 4 साल में? कुछ नहीं किया। महंगाई इतनी बढ़ गई है, कुछ किया ही नहीं।
राहुल गांधी ने क्या कार्य किया था? राहुल गांधी ने किया था, महंगाई वहंगाई नहीं बढ़ी थी उस समय में, किया तो कुछ नहीं था लेकिन महंगाई नहीं थी उस समय। मेन मुद्दा है महंगाई, जिसको लेके आप जो है 2024 के चुनाव पर जो है बात करेंगे। और भी लोग हैं, ये चाट का ठेला है, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, चाय वाले से। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? फिरोज अहमद। 2024 चुनाव आ रहा है, स्मृति ईरानी यहाँ सांसद हैं, राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो गई है, संसद फिर तो आ गए ना, संसद में बड़ा हंगामा हुआ फ्लाइंग किस को लेकर, कैसे देखते हैं उसको? किसको? राहुल गांधी को। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी आरोप लगा रही हैं कि संसद में राहुल गांधी जो है अमर्यादित रूप से पेश आते हैं, उन्होंने फ्लाइंग किस किया है? हमें भाई ये मालूम नहीं। अच्छा, 2024 के चुनाव को देखते हुए आप कैसे देखते हैं कि अमेठी से किसको काम करेगा, वह जीतेगा? यहाँ से राहुल गांधी भी सांसद रहे, स्मृति ईरानी भी 4 साल हुए, दोनों कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप कामकाज को? फिलहाल तो 5 साल में स्मृति ईरानी काम कर दिया, बाईपास वगैरह तो बनवा ही दिया है, अब बाकी आगे देखा जाएगा। तो बाईपास की समस्या थी उसको दूर किया है, ये बुजुर्ग हैं लगभग, सीनियर सिटीजन हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? ब्रजलाल यादव। 2024 का चुनाव आ रहा है, यहाँ से स्मृति ईरानी सांसद हैं, हमेशा से ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, अब की बार कैसे देखते? बीजेपी कैसे देखते हैं उनके 4 साल के कार्यकाल को स्मृति ईरानी के? अच्छा कार्यकाल है, विकास किया उन्होंने, किया विकास, तो विकास किया है। और भी लोग हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है अमेठी की आवाम थी जिसने साफ तौर पर बताया कि अमेठी से अगर बात की जाए तो 2024 का जो चुनाव है वो मिलीजुली प्रक्रिया है, खासे तौर पर जो राहुल गांधी के समर्थन में ज़्यादा लोग निकल कर आ रहे हैं। दिलीप यादव, APN न्यूज़, अमेठी।